अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का चांद नज़र आ गया और रमज़ान शुरू हो गया। ये हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात हैं, अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला इसको हमारी ज़िंदगी का आखिरी चांद ना बनाए रमज़ान। अल्लाह ताला हमें बार बार रमज़ान नसीब फरमाए। और ये रमज़ान एक ऐसे वक्त में आ रहा है जबकि पूरी दुनिया वबा से दो चार है, और अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों की नवसत से अपना घर भी हम पे बंद किया हुआ है, अपने हरम शरीफ भी और उम्रे और तवाफ़ भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी भी, मस्जिद नबी की हाज़िरी भी, वो भी बंद की हुई है। मदारिस भी बंद हैं, तहफीज़ुल कुरान के मदारिस जहाँ रोज़ाना हज़ारों लाखों कुरान पढ़ाए जाते थे वो भी बंद कर दिए। तबलीगी जमात, तबलीगी मरकज़ और काम, वो भी उस पर भी बंदिश लगी हुई है। जुमा और तरावी अमूमी तौर पर वो भी बंद हैं, जमातें भी अमूमी तौर पर बंद हैं, नमाज बाजमात भी बहुत मुख्तसर हो गई है। इन हालात में बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी जितनी हमारी इज्तिमाई जगह थी इबादत करने की, अल्लाह को याद करने की, अल्लाह को बुलाने की, अल्लाह का नाम लेने की, अल्लाह ने वो सब चीज़ें हम पे बंद कर दी हैं। इस तरफ इशारा है कि हम इज्तिमाई तौर पर तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। हर शख्स अपने गुनाहों को याद करके तौबा इस्तिग़फ़ार करे और अपनी आइंदा इसलाह की पूरा वादा करे अल्लाह ताला से, इसलाह की पूरी कोशिश करे और अल्लाह ताला को मनाने की और राज़ी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये जो हदीस शरीफ मैंने यहाँ नकल की है इसमें यह है कि जब रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक चांद की तरफ मुतवज्जे करके ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह इस चांद को हमारे लिए अमन का चांद बना दे, कि तमाम फितनों से हमें अमन मिल जाए और ईमान की सलामती का चांद बना दे, कि हमारा ईमान महफूज रहे, बस सलामती वल इस्लाम, और तमाम आफात और मुसीबतों से सलामती का चांद बना दे, और या अल्लाह इस चांद को इस्लाम का चांद बना दे कि इससे हमारे इस्लाम महफूज रहे, इस्लाम तरक्की करे। वल्ला आफियतिल मुजल्लला, या अल्लाह इस चांद को बहुत बड़ी आफियत का ज़रिया बना दे, बहुत बड़ी आफियत, अजीम आफियत का चांद बना दे। व दिफाइल असकाम, और बीमारियों के ख़त्म करने का ज़रिया बना दे। इस वक्त में जिस वबा से हम दो चार हैं उसके हवाले से इसकी बहुत अहमियत है कि इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। वल्लाउनी अलस्सलात, या अल्लाह इस चांद को नमाज पर और रोज़े रखने पर और तिलावत कुरान के लिए मदद करने का ज़रिया बना दे कि इससे हमें मदद मिले इस चांद से। अल्लाहुम्मा सल्लिमना ली रमज़ान, या अल्लाह हमें रमज़ान के सपुर्द कर दे और रमज़ान को हमारे सपुर्द कर दे, यानी हम रमज़ान के हो जाएँ, रमज़ान हमारा हो जाए और रमज़ान को हमारे साथ हमारे लिए आसान कर दे। तो इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, और इज्तमाही तौर पर भी गुनाहों से तौबा करना चाहिए, इनफरादी तौर पर भी, और अपनी ज़िंदगी का पूरा मुहासबा करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमसे कोई जुल्म हुआ है, कोई गलती हुई है, कोई नाफरमानी हुई है, किसी की अख्तलफी हुई है, तो उससे हम न सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करें बल्कि उसकी इसलाह भी करें, उन हकूक़ की अदायगी की कोशिश भी करें। और रमज़ान चूँकि बहुत बड़ा ज़रिया है रहमत का, मगफ़रत का, इसलिए रमज़ान को ख़ास तौर पर इसने अपनी इसलाह का ज़रिया बनाना चाहिए। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को इस वबा से हिफाजत, वबा से बचाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क, हमारे इस वतन अज़ीज़ को इस वबा से जल्दी निकाले, हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इत्तिफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए, कौमी सतह पर भी इत्तिफाक व इत्तेहाद नसीब हो, मजहबी और दीनी वाले से भी इत्तिफाक व इत्तेहाद हो। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, इज्तिमाईयत नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला का ज़ाबता ही है कि अल्लाह की नुसरत और मगफरत और रहमत और बरकत नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें इकट्ठा फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।